आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र बहुत जल्दी आरंभ होने वाली हैं और शारदीय नवरात्र पर जगह जगह पंडालों में विराजने वाली माता दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार होना आरंभ हो गई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मूर्तिकारों के द्वारा इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैसे तो गणेश उत्सव के साथ ही ये प्रतिमाएं तैयार होना आरंभ हो जाती हैं और इसके उपरांत फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इन प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। सिवनी शहर में भैरवगंज दादू धर्मशाला मठ मंदिर के करीब और कई स्थानों पर प्रतिमाओं के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी है। मिट्टी की ये प्रतिमाएं आपको दिख रही होंगी। प्रशासन के द्वारा अभी इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, पर बहुत जल्दी ही उन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि POP की प्रतिमाएं उपयोग ना करें। विडंबना ही कही जाएगी कि प्रशासन हर बार सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश जारी करता है। प्रशासन के द्वारा कभी भी मौके पर जाकर शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो जब प्रतिमाओं को POP की प्रतिमाओं को वहाँ देखा गया हो बाज़ार में बिकते हुए और उन्हें जब्त भी किया गया हो या उन प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान उन्हें पृथक से निकाला गया हो। दरअसल ऐसा प्रतीत होता है पिछले 2-3 दशकों में यही एक परंपरा का आगाज हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश जारी होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिव की नगरी में तैयार हो रही हैं प्रतिमाएं। सनातन धर्म में नवरात्र को बहुत विशेष माना गया है। वैसे तो साल में 4 नवरात्र आती हैं जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे अहम मानी जाती है। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की शक्ति के स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है जिसे नव दुर्गा नाम दिया जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि के आखिरी के 3 दिन बहुत विशेष होती हैं जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी शामिल है। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार से बृहस्पतिवार से आरंभ हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर आरंभ होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सवेरे 11:46 से 12:33 तक रहेगा। इसके लिए 47 मिनट का समय प्राप्त होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस बार माँ डोली में सवार होकर आएंगी। विद्वान ज्योतिषाचार्यों के अनुसार माता इस बार डोली में सवार होंगी और माँ दुर्गा का डोली में सवार होना अशुभ संकेत दे रहा है। ये प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश की अस्थिरता का संकेत भी इसे मान रहे हैं। 3 अक्टूबर को पहला दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, माँ शैलपुत्री का ये दिन रहता है। 4 अक्टूबर शुक्रवार द्वितीय तिथि रहेगी, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन ये रहेगा। तीसरा दिन रहेगा शनिवार 5 अक्टूबर, तृतीय तिथि माँ चंद्रघंटा का ये दिन माना जाता है। चौथा दिन रहेगा रविवार का 6 अक्टूबर, चतुर्थी तिथि माँ कूष्मांडा चौथे दिन पूजी जाती हैं। 5वां दिन सोमवार 7 अक्टूबर ये पंचमी तिथि रहेगी, माँ स्कंद माता इस दिन पूजी जाती हैं। 6वां दिन मंगलवार 8 अक्टूबर षष्ठी तिथि रहेगी, माँ कात्यायनी का पूजन इस दिन होता है। 7वां दिन बुधवार 9 अक्टूबर सप्तमी तिथि रहेगी, माँ कालरात्रि का इस दिन पूजन होता है।
आठवां दिन बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर अष्टमी दुर्गा अष्टमी रहेगी, माँ महागौरी का पूजन होता है। और नौवां दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर को रहेगा, इस दिन महानवमी शरद नारायण व्रत कथा इस दिन होगी। और 12 अक्टूबर शनिवार को माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि दशहरा इस दिन मनाया जाएगा। इस तरीके की जानकारियाँ ज्योतिषाचार्यों के द्वारा दी गई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को कलाकारों के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। शारदीय नवरात्र आने को है, महज 7 से 8 दिन के उपरांत नवरात्रि आ जाएगी। वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य पूरी तरह वर्जित होता है। और पितृपक्ष के उपरांत जैसे ही नवरात्र आती है, वैसे तो 4 नवरात्रि होती हैं, इसमें से चैत्र नवरात्र मार्च या अप्रैल के महीने में होती है और चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष का आगाज होता है। शारदीय नवरात्र सर्दियों में आती है और शारदीय नवरात्र का अपना अलग महत्व बताया गया है। सिवनी शिव की नगरी कहलाती है और शिव की नगरी में दुर्गा माता की प्रतिमाओं का सिलसिला यहाँ पर बनने का लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिमाएं किस तरह बनती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए एक ये नई चीज़ है, इसलिए आपसे आपको चाहिए, सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को दिखाएं कि किस तरह से प्रतिमाओं का निर्माण होता है, किस तरह से कलाकारों के द्वारा, कुशल कलाकारों के द्वारा इन प्रतिमाओं को मिट्टी से तैयार किया जाता है और उसके बाद रंग रोगन करके वस्त्र आदि पहनाकर इतना सुंदर स्वरूप इनका बना दिया जाता है कि लोग देखते ही इन्हें रह जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी में दुर्गा प्रतिमाएं बन रही हैं और इनके संभवतः ऑर्डर पंडाल जहां जहां सजने वाले हैं दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा अपने अपने हिसाब से बता दिया गया होगा कि इस तरह की माँ दुर्गा की प्रतिमा उन्हें चाहिए। माता दुर्गा की स्थापना के साथ ही एक बात और चल पड़ी है जिसे बारे में हम बाद में बात करेंगे कि 9 दिन माता के स्वरूपों की पूजा के साथ गरबा हो अथवा ना हो, बहुत सारे तर्क वितर्क इसके लिए दिए जा रहे हैं। संबंध में हम बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश होगी, प्रयास होगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे सुंदर तरीके से प्रतिमाएं बन रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।